हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि चार रुपए का स्टॉक है या लगभग पांच रुपए का चार रुपये नब्बे पैसे का स्टॉक से और उसके टारगेट अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो लगभग सौ रुपये तक वो शेयर जा सकता है सौ रुपए का टारगेट मेरे हिसाब से उसमें होना चाहिए हो। और सौ रुपए तक वो जाने की पूरी काबिलियत रखता है जिस तरीके का मार्केट चल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक्स है ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है पंद्रह पैसे से पांच रुपए तक जा चुका है तो कौन सा स्टॉक है आ, नाम आपने देख ही लिया इंटीग्रा नाम दिखा देता हूँ इंटीग्रा यहाँ पर देखिए इंटीग्रा गारमेंट एंड टेक्सटाइल लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक्स एज वेल एज ये कंपनी स्प्लिट भी देती हुई नजर आ रही है कब डेट है स्प्लिट की उससे रिलेटेड बातें करेंगे पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऑल पे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें फौरन तरफ पे आपके वीडियो मिले दो वीडियो आज की डेट में अपडेट हो चुकी है दो स्टॉक्स मेरे पास है आपके पास भी होंगे जब अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो और इन दोनों स्टॉक्स में आज दस दस परसेंट भागे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स यहाँ पर विप्रो टी सी एस और इन्फोसिस यहाँ पर, पर विप्रो में के रिजल्ट किस तरीके है, से आए उससे रिलेटेड और यहां पर विप्रो छह सौ रुपए तक आ सकता है आज पांच परसेंट एडीआर पर अमेरिकन बाजार में गिरावट है ये सब चीज से रिलेटेड है जाके देखिए वीडियो में बाय को कैसे प्ले करना है वो आपको पता चलेगा बाई का फायदा डबल तरीके से मतलब सत्रह के रिटर्न मिल रहे हैं तो आप सत्रह को यहाँ पर तीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है प्ले को गो थ्रू करें बाइसेट

ये स्टॉक्स में ऐसा क्या है देखिए चार रुपए नब्बे पैसे का स्टॉक्स है कि मैं इसके टारगेट सौ रुपए बता रहा हूँ सौ रुपए का मतलब हो गया मल्टी बैगर वैसे स्टॉक्स बने हैं मल्टी बैगल ओके जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं तो किस इंडस्ट्री में काम करता है वो जान लेते हैं इंटीग्रा गार्मेंट्स एंड टेक्सटाइल मेनली डील्स इन मैनुफेक्चर ऑफ गार्मेंट्स ओके गार्मेंट्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है एज वेल एज यहाँ पर क्या आ गई है एक न्यूज आई है स्प्लिट से रिलेटेड ओके यहाँ पर देखेंगे सब डिविजन ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी फेस वैल्यू है तीन रुपए यहां पर दो सौ शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे रिकॉर्ड डेट की बात करें तो यहाँ पर मंडे जनवरी इकतीस ओके इकतीस तारीख को इसकी uh, uh, क्या है इसकी रिकॉर्ड uh, डेट है इसका मतलब क्या है इसका मंडे uh, को मंडे को इकतीस तारीख पड़ रही है एज डेट आई थिंक यहाँ पर 28 तारीख को होगी या 30 तारीख को होगी 30 तारीख को होगी तो 28 तारीख को शेयर लेना है, और 28 तारीख को होगी तो यहाँ पर 27 तारीख को आपको ये शेयर लेना पड़ेगा तभी जाके आपके यहाँ पर सब डिविजन का फायदा होता हुआ नजर आएगा और इस शेयर में ऐसा क्या हुआ है कि मैं इसके टारगेट चार से आ, चार रुपए नब्बे पैसे से आपको बता रहा हूँ सौ रुपए तो सौ रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर शेयर लगभग बीस गुना यहाँ पर होता हुआ नजर आ जाएगा तो कैसे तो आइए देखिए यहाँ पर मार्केट के आप सत्रह रुपए सत्रह पॉइंट आठ मतलब सेवनटीन पॉइंट एट करोड़ रुपए इसकी यहाँ पर मार्केट कैप है बयालीस के पी पे शेयर ट्रेड कर रहा है ओके एज वेल एज यहां पर बात करें तो ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है यहाँ पर और भी कुछ चीज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न देख सकते हैं 2013 में शेयर आया था ऑल टाइम हाई छह रुपए के लगभग गया नीचे गिरा फिर फिर ऊपर गया नीचे गिरा और दोबारा पर अगर बात करें तो ये शेयर पर चार रुपए सत्तासी पैसे के आसपास पर चलता हुआ नजर आ रहा है इसके कल आए थे रिजल्ट यहाँ पर अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रही थी बट यहाँ पर अचानक कंपनी ने परफॉर्म किया और कितने लगभग अठारह करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स दी हाइएस्ट एव सेल्स दी ओके okay, और यहाँ पर अगर बात करें अदर इनकम पॉइंट बारह मतलब ला, बारह लाख की यहाँ पर और यहाँ पर अदर इनकम हुई तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी जो घाटे में चल रही थी ओके okay, वो यहाँ पर तिरपन लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट दे देती है जो कि क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे हाइएस्ट एवर यहाँ पर है और यहाँ पर ईपीएस जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव पंद्रह पैसे का ईपीएस आ जाता है ईयरली बेसिस पे ये बात करें। यहाँ पर दो हजार तेरह में यहां पर सेल्स थी उसके बाद कुछ सेल्स नहीं और यहाँ पर अचानक यहाँ पर सेल्स होती है और पिछले बारह महीने में कंपनी ने अठारह करोड़ की सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करें बयालीस लाख रुपए का प्रॉफिट जो की घाटे में चल रही थी एज वेल एज यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है ओके okay, यहाँ पर शेयर कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं ग्यारह लाख रुपए के आसपास का है बोरेइंग की बात करें 28 uh, 28 लाख के आसपास की यहाँ पर uh, 28 करोड़ के आसपास की बोरॅंग है मतलब कंपनी के ऊपर भारी बरकम यहाँ पर कर्जा है तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कुछ खास नहीं है ओके okay, नेगेटिव में ही पर पर नजर आता है है ज्यादा डेट कंपनी के ऊपर वर्क इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है कैश की बात करें तो यहाँ पर कैश यहाँ पर देखिए चौबीस लाख का तो कंपनी के फाइनेंशियल इतने कुछ खास नहीं है बट यहाँ पर कंपनी के जो नंबर है वो माइंड ब्लोइंग ही यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है कंपनी का प्रॉफिट है जो अच्छा खासा भागा है इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर कुछ ये चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लगा प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ देखेंगे 59 points से 39 होता हुआ नजर आया मतलब जितने भी इनके प्रोमोटर्स थे आई थिंक सबने यहाँ पर शेयर बेच दिया अशोक परिमल परिमल ग्रुप से या पता नहीं कहां पर है मुझे नहीं पता इसके बारे में बट अशोक परिमल ग्रुप टेक्सटाइल ट्रस्ट यहाँ पर इनके जून क्वार्टर तक 59% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग रखते थे बट उनने यहाँ पर बेच दी और सितंबर में यहाँ पर 39% की होल्डिंग लगभग 40% की होल्डिंग यहाँ पर किसके पास है विशेष गुप्ता के पास है और यहाँ पर कुछ और चीजें दिखाऊंगा डीआईएस डीएस का लगभग पांच परसेंट की हिस्सेदारी है गवर्नमेंट कुछ नहीं है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में यहाँ पर देखेंगे पचपन परसेंट की हिस्सेदारी आपको नजर आ रही है ये पचपन नहीं है पचपन में ईशा गुप्ता ने भी यहाँ पर सेप्टेम्बर क्वार्टर में यहाँ पर तेईस की हिस्सेदारी यहाँ पर ली है लगभग चौबीस की तो जो यहाँ पर बेची गई है यहाँ पर फिफ्टी की हिस्सेदारी वो यहाँ पर विशेष गुप्ता और ईशा परिमल ईशा गुप्ता ने यहां पर हिस्सेदारी ली है एज वेल एज कुछ और लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है तो ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर नजर नहीं

जो कि मैंने आपको बता दिया है रिकॉर्ड डेट कब एज एज वेल स्प्लिट कंपनी न्यूज आ गई है कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी पर ये गार्मेंट से रिलेटेड uh, से रिलेटेड कंपनी काम करती है सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक बनाती हुई दिखाई देती है एक बार इनके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर शर्ट से रिलेटेड ये और ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर देख सकते हैं है, है, तो पर है इस पर्टिकुलर शेयर बट अब बात बताता हूँ कुछ पॉइंट से रिलेटेड शेयर ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है ओके यहां पर से अगर ये शेयर ऊपर गया तो ब्रेकआउट है एज वेल एज यहां पर बहुत मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर 2016 के बाद ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है जो कि इसे सबसे पहले यहाँ पर छे साढ़े छह सात रुपए तक ले जाएगा और उसके बाद चीजें रुकनी नहीं है चीजें यहाँ पर ऊपर ही जानी है और देख सकते हैं किस तरीके से इस शेयर ने जो की पेंडेमिक में जब गिरा था तो पच्चीस पैसे का ये स्टॉक्स हुआ करता था पच्चीस के बाद ये शेयर ने आपको कितने परसेंट के रिटर्न दे दिए वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस शेयर ने लगभग लगभग आपको उन्नीस के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है बट नेगेटिव बात यहाँ पर देखिए पर पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 10 जनवरी यहाँ पर नीचे नीचे डेट डेट आ आ रही है, पर देट, देट आ रही है है पर देखिए ना ये तो 10 जनवरी लास्ट डेट यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाई यहाँ पर बारह तारीख को कोई ट्रेडिंग नहीं हुई जो कि आज के दिन ग्यारह तारीख को कोई ट्रेडिंग नहीं हुई और यहाँ पर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखा देता तो सॉरी तो यहाँ पर देखिए स्टेज थ्री में भी है चार से तीन में आ गया है एज वेल एज ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ जीएसएम मतलब जीएसएम में आ, आ चुका है स्टॉक इस, इस वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग रुक गई है यहाँ पर ना कोई शेयर ले पा रहे हैं ना कोई यहाँ पर बेच पा रहे हैं इस शेयर को याद रखिएगा बट ये जैसे ही ओपन होगा ये शेयर मुझे लगता है एक भारी तरीके से भागता हुआ नजर आएगा। और एक नेगेटिव घंटा तरकीब लड़ाई मैं इसमें सर्च कर रहा था ये शेयर आ ही नहीं रहा था ओके आई थिंक इसी की वजह से यहाँ पर ये ट्रेडिंग यहाँ पर सस्पेंडेड हो गई है कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है इस वजह से ये शेयर दिखाई नहीं दे रहा है बट जब भी ये शेयर यहाँ पर दिखाई दे एक बार चेक करें

Hmm. तो यहाँ पर बात करें तो ये शेयर अगर इसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो आपके पैसे डबल तो हो रहे हैं बट डबल से नहीं काम चलेगा और भी ज्यादा यहाँ पर पैसे चाहिए तो यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा भाग सकता है अगर परफॉर्म करके दिखाता रहा तो तो ये नेगेटिव पॉइंट्स था वो बता दिया पॉजिटिव पॉइंट्स था वो बता दिया ओके और सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और यहाँ पर ये शेयर ट्रेड ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर एड भी नहीं हो सकता अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को एड कर लीजिए ताकि इसी तरीके के शेयर आपको मिलती रहे और जब ऐसे शेयर आपको मिले तो यहाँ पर डेली अपडेट करे देखे और अच्छा खासा पैसा फिर शायद इस ऐसे शेयरों में बनता हुआ होने जाएगा सो थैंक यू so much god bless